कुछ दूर निकलते ही घर से चलते ही हमें मिल गया घाटी। ये छोटा सा घाटी मिला है भाई, और इधर से लेके मैं साइकिल चढ़ा के आ रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, लेकिन व्यू मस्त सा है भाई। आप लोग भले ही इंजॉय ना करो, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ एकदम मस्त सा व्यू को। इस व्यू को इंजॉय करो यार, देख देख के इंजॉय करो। और इधर ना ये पूरा नीम के गाछ जो देख रहे हो ना आप लोग, इस पर है पूरा लंगूर का गैंग है, और एक ट्रक शायद आ रहा है। वाह, अलवर टू जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। अलवर टू हैदराबाद का है भाई इसका रूट। अरे बाबा रे, थोड़ा हवा चला रे, रे बाबा रे, तो लो जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा घाटी चढ़ा लिया हूँ, अभी भी बाकी है। और यहाँ पर ना पूरा ट्रक उरक वाले भाई साहब सब रुके हुए हैं, ये जो देख रहे हो आप लोग यहीं पर। और मैं पीछे से आया हूँ भाई, पूरा पसीना से हालत ख़राब हो चुका है, पूछो मत भाई। जब पसीना चलता है ना, जंघिया उंघिया मेरा पूरा भींग जाता है यार, बड़ी गंदा लगता है। ये पसीना थोड़ा रहम करो यार, साला रात को ठंड लगता है, दिन में इतना गर्मी लगता है, पूछो मत अभी। और जब ऐसा होता है ना, तो इसी में सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का डर रहता है मेरा। और ये ट्रक वाले भाई साहब सबका लगता है कुछ हो गया है, इसी कारण यहाँ पर रुका हुआ है। तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ थोड़ा देर के लिए, गर्मी से हालत खराब है बाबा। भाई साहब देखो कैसे जा रहा है ये भैया लोग। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ, और यहाँ से वासिम पहुँचने के लिए हमको 32 किलोमीटर लगभग लगभग साइकिल चलाना पड़ेगा। आज मैं अपना टारगेट वासिम रखा हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वीडियो एडिटिंग किया नहीं हूँ, वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा भाई, इसीलिए। नहीं तो आज मैं पहुँच जाता। और भैया लोग कैसे कैसे जा रहे हैं यार। तो दोस्तों फिर से मैं आ गया हूँ ये मुंबई और नागपुर वाला एक्सप्रेसवे पे। देखो गाड़ी कितना सरपट भाग रहा है भाई, एकदम देख रहे हो, ये देखो। तो भाई इस एक्सप्रेसवे को देखकर ना महाराष्ट्र के लोगों को गर्व होता होगा कि यार सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है हमारे राज्य में। नागपुर से सीधे मुंबई 8 से 10 घंटा में पहुँच जाएगा भाई। ये मैं तीसरा बार इस पर मैं प्रवेश कर रहा हूँ, प्रवेश नहीं मतलब गुजर रहा हूँ। और ये देखो कैसा एकदम दिख रहा है, और इधर देखो पूरा भाई साहब लगता है एकदम ना, ये ऐसे रोड देख के लग रहा है कि अपन लोग अमेरिका में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ अभी वासिम के तरफ ही, और यहाँ पर ना इस पर उतर सकते हो इस एक्सप्रेसवे से, और चढ़ भी सकते हो। वहाँ पर बना के रखे हैं टोल गेट, उसी से जाता होगा। मैं एक बार ऐसे प्रवेश करने की कोशिश किया था, तो मेरे को बताया था कि आप जैसे लोगों को एंट्री नहीं मिलता है, तो कोई बोला, मैं सोचा कोई बात नहीं भाई, लेकिन जिस दिन मैं गाड़ी लूँगा ना, भगाऊँगा इसी पे एकदम सरपट। और बीच में देखो आप लोग
कैसे जगह छोड़ दिया है ताकि भविष्य में कभी इस रोड को चौड़ा करना पड़ सके। ये देखो कितना एकदम स्पीड में भाग रहा है भाई। इसी पर बाइकर सब ना चलाता रहता है 300 स्पीड में, तो जान भी जाता है। और ये है भाई अभी का नजारा। चलो रे बाबा, प्यार की शाम ना हो, प्यार की शाम ना हो, की शाम ना हो, प्यार की शाम ना हो। अच्छा चल तेरे लिए खराब बन जाऊंगे। हट रे बाबा रे, फिर हर सवाल का जवाब बन जाऊंगी। और दादा वासिम पहुंचने वाला हूं दोस्तों, लगभग लगभग यहां से 10-15 किलोमीटर बाकी है बस। हाय हाय भाई साहब, ये देखो अभी का नजारा भाई। भाई साहब मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट खराब हो गया दोस्त, ठीक करके दिया था मेरा फिर भी खराब हो गया यार। जय बजरंगबली की जय हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये देखो दोस्तों अभी का व्यू भाई साहब, लग रहा है दिन है, रात के बजा है 7:22 और मैं जा रहा हूँ लवलह वासिम पहुँच गया मैं। यहाँ से हो जाता है शायद बाईपास चालू, लेकिन मेरे को ऊपर से नहीं जाना है, जाऊँगा मैं नीचे से, क्योंकि ये नया बाईपास है तो इस साइड से जाएगा तो उधर क्या बोलते हैं ढाबा हुआ मिलेगा नहीं मेरे को। इससे अच्छा है कि नीचे से चला जाता हूँ मैं, और इधर कोई ढाबा मिलेगा ना तो वहीं पे सो जाऊँगा। तो देखते हैं कब तक आज खाना उना खा पाता हूँ भाई, वीडियो एडिटिंग करने लगा आज बैठ के, इसीलिए इतना रात हो गया। और देखो पूरा पसीना से भींग चुका हूँ मैं भाई साहब, क्या मैं बताऊँ, हंस रहा हूँ लेकिन इतना सारा दर्द छुपा है ना पूछो मत, वो मैं ही जानता हूँ। कोई नहीं, ऐसे ही हंसना चाहिए, नहीं तो दुश्मन लोग मजाक उड़ाने लगता है यार परिस्थिति का। कोई नहीं, उड़ाने दो उड़ाने वाला। अभी एक गाना चल रहा है ना, किसी दिन ये तमाचा की मुस्कुरा कर हम भी देंगे, तो वही है जितना हंसना है जिसको हंस ले भाई, अभी बाद में पता चलेगा। ओ माय माय भगवान हो, बाबूजी हो बाबूजी।